हेलो गाइस एवरीवन, आप सबके साथ एक न्यू ब्लॉग पे। सो आज है गणेश चतुर्थी। सो आपको हमारी तरफ से हैप्पी गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारे घर के बगल में गणेश पूजा का पंडाल बना हुआ है, सो मैं वहीं दर्शन करने जा रही हूँ और आप सबको भी दर्शन करवाने ले जाऊँगी, ठीक है। और ऐसे ही ब्लॉग में बने रहना हाँ। और हर साल हमारे यहाँ घर के बगल में गणेश पूजा सेलिब्रेशन किया जाता है। कुछ छोटे छोटे बच्चे मिल करके ही कलेक्शन करते हैं और इकट्ठा करते हैं, पैसा जमा करते हैं और फिर गणेश पूजा मनाते हैं। सो गाइस चलिए क्या बना है आपको दिखाते हैं, कुछ यूनिक चीज़ बना है, ठीक है। सो गाइस आप लोग ऐसे ही ब्लॉग पे बने रहना और जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो देख कर लाइक कीजिएगा, बिना स्किप किए वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। गाइस यहाँ पहुँच गए हैं और अभी तो पूजा शुरू होने वाली है, पूजा अभी शुरू हुई नहीं है। देख रहे हैं ना गाइस कितना अच्छा बनाया गया है और वो भी नारियल बनाया है, देखिए। चलिए गाइस अभी थोड़ा पूजा शुरू होने वाली है, दिखा देते हैं वो भी। ও মনোকামনা বলো রে কি চাইয়ে তুমি और गाइस दर्शन करके आ गए हैं। और पूजा तो बहुत लेट में हुई क्योंकि पंडित आने में बहुत लेट कर दिया गया। और देखे ना गाइस गणपति पप्पा को कितना अच्छा से सजाया गया था और कहाँ पर बैठाया था देखे ना आप, नारियल छिलका से जैसा कुछ बनाया था, यूनिक चीज़ बोले थे ना आपको कुछ बनाया गया था बोल करके, कुछ है यूनिक चीज़ आपको बताया थे ना कि यूनिक चीज़ इस बार कुछ बनाया है इस साल। वो जो झूड़ी होता है ना, जो मुर्गी ढाँकती नहीं है बड़ा सा झूड़ी, तो उसको दोनों ऊपर नीचे करके एकदम अच्छा से सबको क्या बोरा उरा ढाक करके, हाँ बोरा से पूरा कवर कर दिया था, फिर उसके ऊपर में नारियल का छिलका से पूरा सबको चिपकाया था। सो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, सो अच्छा ही डेकोरेट किया गया था। सो गाइस जो लोग नए हो हमारे ब्लॉग में वो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ठीक है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, आई होप कि आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।